अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के चक्कर में एक बार फिर से अडानी के पैसे और शेयर दोनों डूब गए हैं और कहीं ना कहीं इसमें आपका यानी जनता यानी निवेशकों का भी नुकसान हुआ है। लेकिन जो हिंडनबर्ग है उसने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं और आज आपको पूरा का पूरा शेयर बाजार का ये खेल समझना है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से कितने पैसे डूबे, दूसरा ये शॉर्ट सेलिंग जो है उस तरीके से लोग कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे निवेशकों का नुकसान हो जाता है, तीसरा क्या होता है सेंसेक्स और निफ्टी। आपने कई बार ये दोनों शब्द सुने होंगे, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट सुना होगा, तो आज आसान शब्दों में मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं और कैसे भारत का पूरा बिजनेस यहां तक कि ग्लोबली भी पूरा का पूरा इनसे जुड़ा हुआ है। चौथा, बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में ये जॉर्ज सोरोस का नाम क्यों बार बार लिया जाता है, क्योंकि आज भी जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यही बताया कि हिंडनबर्ग में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो जॉर्ज सोरोस करता है और जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया एजेंडा चलाता है। पांचवा, भारत में अडानी मामले ने कैसे हिलाया है वोट बैंक, यानी ये जो को पूरा पूरा मामला हो रहा है, चाहे वो अडानी हो, हिंडनबर्ग हो, शेयर मार्केट हो, जॉर्ज सोरोस हो, ये सब कुछ भारतीय वोट बैंक यानी भारत के चुनावों में आपकी जिंदगी में कैसे असर डाल रहा है वो भी आपको समझना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यही जानना है कि हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा है कि जो अडानी मामले की जांच सेबी कर रहा है उनकी मुखिया खुद इसमें पूरे के पूरे मामले में इन्वॉल्व है। जब से ये आरोप लगे और तब से ही मार्केट पर असर दिखने लगा। तो देखिए हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से कितने पैसे डूबे, तो मैं आपको बता देती हूँ, जब आज मार्केट खुला तो अडानी के 7% शेयर टूट गए, लेकिन बाद में जब मार्केट बंद हुआ तो वो रिकवर भी कर गए। यानी पहले तो आपने देखी कि जैसे ही रिपोर्ट आई तो अचानक से जो ग्राफ है वो नीचे गया, लेकिन जब 3:30 बजे के बाद जब ये पूरा का पूरा मार्केट बंद हो गया तो रिकवर कर लिया, यानी ज्यादा असर मार्केट पे नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी जनता के तकरीबन 53,000 करोड़ रुपए डूब गए, यानी 53,000 करोड़ रुपए डूब गए। हालांकि बाद में यानी दिन तक जो है मामला संभल गया। हिंडनबर्ग के नए आरोपों के कारण ये पूरी की पूरी गिरावट देखने को मिली और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी 10 अगस्त को यानी सैटरडे को, तब सब कह रहे थे कि ये सब कुछ मार्केट गिराने, शेयर प्राइस गिराने के पूरे आरोप लगे कि इस पूरे स्ट्रेटजी के साथ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, लेकिन आज ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। दावा यह किया गया हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कि अडानी घोटाले में सेबी की मुखिया भी शामिल है। हालांकि मुखिया ने पूरा का पूरा बयान देकर बता दिया है कि ये सारे के सारे आरोप गलत हैं, वो पूरा शो करके मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको शेयर मार्केट का खेल समझाने आई हूँ। देखिए जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कराया भारी नुकसान। किसका भारी नुकसान कराया? अडानी का। और अगर अडानी का कराया तो कहीं ना कहीं अगर आपने भी उसी शेयर्स में पैसे लगा रखे होंगे तो आपका भी नुकसान हुआ होगा। अडानी को तकरीबन 12 लाख करोड़ का बाजार में घाटा हुआ और इन सब से जो हिंडनबर्ग कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है, उसने कितने पैसे कमाए, कितने रुपए कमाए? 33 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, यानी तकरीबन $4 मिलियन कमाए हिंडनबर्ग ने, ये पूरा का पूरा आरोप लगाकर अडानी पे। क्योंकि ऐसे ही जो शॉर्ट सेलर इनको बोला जाता है, आगे मैं बताऊंगी, उसका काम ही यही है, अफवाह फैलाओ, शेयर की प्राइस घटाओ और उससे उनके जब शेयर की प्राइस गिरती है तो उनको कम में लेकर खुद का मुनाफा कराओ। तो हिंडनबर्ग ने तकरीबन ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट निकाल के इतनी कमाई की है। हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग तरीके से ये सारे के सारे पैसे कमाए हैं। और तो और रिपोर्ट में ये भी पता चला कि भाई जब सेबी ने शो कॉज नोटिस भेजा हिंडनबर्ग को, तो उसमें सामने आता है कि जब हिंडनबर्ग ने जनवरी में अडानी के खिलाफ यानी पिछले साल 2023 में जब रिपोर्ट लाई कि अडानी घोटाला कर रहे हैं, उससे 2 महीने ही पहले वो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट किसको दे चुके थे? किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट को दे चुके थे और बोला था कि देखिए जब हम ये रिपोर्ट पब्लिश करेंगे शेयर प्राइस गिरेगा, आप हमको पैसा कुछ उधार दे दो और ये जब पूरा खेल हो जाएगा तो इसमें आपको भी मुनाफा होगा, हमें भी मुनाफा होगा। तो ये जो किंगडन कैपिटल मैनेजमेंट है ये ब्रोकर थी और इनके पास ये 2 महीने पहले रिपोर्ट आ चुकी थी, तो इसमें इनका भी मुनाफा हुआ, हिंडनबर्ग का भी हुआ और पहले ही रिपोर्ट पहुंच चुकी थी। अब दूसरा ये है कि आखिरकार ये शॉर्ट सेलिंग का तरीका क्या होता है और इसमें कमाई कैसे होती है, तो आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट की चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले तो समझना और फिर बाद में समझाना। तो देखिए शॉर्ट सेलिंग एक व्यापार करने का तरीका है, एक ट्रेडिंग सिस्टम है। तो व्यापारी जो भी होता है वो स्टॉक मार्केट में शेयरों के गिरने से पैसा कमाता है। आपने देखा होगा कि भाई आपने कोई शेयर खरीदे, अभी आपने 50 के खरीदे, 5 साल बाद या चलिए 2 दिन के बाद वो 100 रुपए के हो गए,
तो आपने अगर उनको बेच दिए तो आपको 50 रुपए का मुनाफा हो गया, यानी शेयर प्राइस अगर बढ़ता है तो आपका मुनाफा होता है। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है शॉर्ट सेलिंग, उसमें अगर किसी के शेयर गिरते हैं, यानी मैंने कहा कि कल को ये जो इसका दाम है, इस चॉकलेट का दाम है, वो गिर जाएगा, तो अगर मैंने बोल दिया और वो सच में गिर गया तो उससे मुझे मुनाफा हो जाएगा। और ऐसे ही ये शॉर्ट सेलर्स काम करते हैं, यानी अगर शेयरों के प्राइस गिरते हैं तो पैसे कमाते हैं, और यही हुआ। जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, अडानी के शेयर प्राइस गिरते हैं और उससे हिंडनबर्ग को फायदा हो जाता है, क्योंकि हिंडनबर्ग पहले ही कह चुका था कि भैया अडानी के जितने भी शेयर्स हैं वो गिरने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट छाप दी थी। शॉर्ट सेलिंग करने वाले ट्रेडर्स को कहते हैं शॉर्ट सेलर्स। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड तरीका है, कि इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। आपने बोला कि शेयर प्राइस गिरेंगे और वो नहीं गिरे तो आपको तो घाटा ही होगा ना, और अगर आपने बोला और वो सच में गिर गए, आपने ऐसी कोई टैक्टिक्स अपनाई या कुछ भी किया, वो सच में गिर गए, तो आपको भारी मुनाफा होता है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से, आपकी जिंदगी से जुड़े हुए एग्जाम्पल से, आसान भाषा में समझाती हूँ कि होता क्या है। तो इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए, प्रिया एक लड़की है, प्रिया के पास 2 चॉकलेट है जिसकी कीमत है 10 रुपए। अब मैं यानी रिमझिम ने वो 2 चॉकलेट उधार ले ली प्रिया से और बोला कि भाई तू 2 चॉकलेट मुझे कल तक के लिए उधार दे दे, और तू अगर कल तक उधार देती है तो ब्याज भी ले ले, 2 रुपए और मैं तुझे दे दूंगी और 2 चॉकलेट तुझे वापस दे दूंगी और उसके साथ 2 रुपए भी दे दूंगी। प्रिया कहेगी वाह ठीक है, मैं 2 चॉकलेट उधार दे देती हूँ, क्योंकि कल तो मुझे ऐसे बेचने जाऊंगी तो 10 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर ये रिमझिम मुझे कल देती है तो मुझे 12 रुपए मिलेंगे, मतलब ठीक है 2 रुपए का मुनाफा होगा, तो इधर उधार में दे दी। अब रिमझिम के पास यानी मेरे पास कितने, 10 रुपए, और 2 चॉकलेट मैंने जो मेरे पास थी वो मैंने 10 रुपए में मुस्कान को बेच दी, यानी तीसरी लड़की को बेच दी। अब रिमझिम के पास अभी 10 रुपए हैं लेकिन चॉकलेट नहीं है, मेरे पास इस वक्त 10 रुपए हैं लेकिन चॉकलेट नहीं है, क्योंकि चॉकलेट मैंने मुस्कान को दे दी। लेकिन फिर रिमझिम ने चॉकलेट के बारे में बुरी खबर फैलाई कि ये चॉकलेट गंदी है, इस चॉकलेट को खाने से कुछ भी हो सकता है, उसने ऐसी खबरें फैलाना, अफवाह फैलाना, जैसे भी फैलाना शुरू की, तो मुस्कान घबरा गई। उसने कहा कि नहीं नहीं ये जो 2 चॉकलेट मैंने ले ली है तो अब मैं अपने पास नहीं रख सकती, चलो मैंने 10 रुपए में खरीदी है, मैं इसको 5 रुपए में बेच देती हूँ। तो मुस्कान ने जो 2 चॉकलेट रिमझिम से खरीदी थी 10 रुपए में, उसने उसको 5 रुपए में बेच दी। तो रिमझिम ने तुरंत क्या किया, पीछे से जाकर या किसी से कहलवाकर ये जो 2 चॉकलेट है वो 5 रुपए में मुस्कान से वापस खरीदी। तो अब रिमझिम के पास 5 रुपए बच गए और 2 चॉकलेट भी आ गई। तो अब रिमझिम क्या करेगी, प्रिया को वापस ले जाकर 2 चॉकलेट दे देगी, 2 रुपए ब्याज भी दे देगी, और उसके पास ये जो पूरा व्यापार करने का तरीका, यानी जो इसने पूरा का पूरा खेल रचा, अफवाह फैलाई, इधर दिया उधर दिया, यानी बोरो किया हुआ पैसा, उधार लिया हुआ जो वो चॉकलेट थी उसने उसको बेची, उससे जो भी मुनाफा हुआ, तो रिमझिम को व्यापार से 3 रुपए की कमाई हुई। ये मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे, ये जो आंकड़े मैंने लिख रखे हैं ये लाखों हजारों रुपए के होते हैं, करोड़ों रुपए के होते हैं। और इसके बाद जो जो शॉर्ट सेलर है, यानी अगर आप देखेंगे इसमें प्रिया हुई ब्रोकर, जिससे मैं यानी जो ट्रेडर है यानी कि शॉर्ट सेलर है, मैंने प्रिया से यानी ब्रोकर से उधार लिया। और अगर मैं हिंडनबर्ग मामले में बताती हूँ तो जो मैंने कंपनी का नाम आपको बताया किंगडन, वो ब्रोकर हुई, हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर हुई, उसने यहाँ से उधारी ली, उसके बाद उसने मार्केट में भेजी और ये पूरा का पूरा खेल रचा, शेयर के प्राइस नीचे गए, उसने पीछे से खरीद ली, और उसके बाद जो है मुस्कान थी, निवेशक थी, कहीं ना कहीं घाटा तो निवेशक का ही हुआ ना। तो यही होता है पूरा का पूरा सिस्टम, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। मैंने ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है इसके अंदर भी। अगर आप शेयर मार्केट की और ऐसे मॉडल्स की पढ़ाई करने जाएंगे तो कई सारे नॉर्म्स होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारे वो होते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये झांसा देने का काम है, और पहले इसको इलीगल बताया जाता था, लेकिन एक वक्त के बाद जो पूरा का पूरा स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है उन्होंने इसको कानूनी तौर पर हाँ बोल दिया है। तो आपने समझ लिया कि अधिक दाम पर बेचकर, और ये ऐसा भी हो सकता था कि वो जो 2 चॉकलेट मेरे पास थी मैं उसको अधिक 20 रुपए की बेच देती तो उससे मुझे और मुनाफा, अभी तो मैंने एज इट इज भेज दी, लेकिन अगर मैं उसको अधिक दाम पर बेच देती फिर पीछे से ऐसा कुछ झोल रचा के उसको कम दाम में खरीद के वापस दे देती तो मेरा तो मुनाफा ही हो जाता ना। अधिक दाम पर बेचकर कम दाम में खरीद कर कुछ अंश जो है ब्याज और पूरे शेयर्स ब्रोकर को वापस लौटा देना। दावा करते हैं कि शेयर का दाम नीचे आ जाएगा, यानी जब पैसा लगाते हैं उससे पहले बोलते हैं कि भैया ये वाला शेयर नीचे गिरने वाला है, तो इस तरीके से वो लोग दावे करते हैं, एक तरीके से जुआ ही है। नीचे आने पर मुनाफा होता है, लेकिन अगर नहीं आया
अगर मुस्कान वो चॉकलेट नहीं देती, नहीं घबराती, नहीं बेचती, तो फिर मुझे तो घाटा ही होता ना। मुझे तो या तो उतने में खरीदनी पड़ती या ज़्यादा में खरीदनी पड़ती। तो इस तरीके से ये जो शॉर्ट सेलिंग का सिस्टम है वो चलता है। अब आपको समझना होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या होता है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट आपने देख लिया, शेयर बाजार होता है जहाँ पर शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अब इसके दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक होता है BSE और उसकी जो उसका जो इंडेक्स होता है कि कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, वो होता है सेंसेक्स। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो वैल्यू होती है वो होता है सेंसेक्स, और जो नेशनल स्टॉक एजेंट्स एक्सचेंज की वैल्यू होती है वो होता है निफ्टी। मैं आपको आगे और बता देती हूँ, लेकिन ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स है ना, ये पूरे भारत में इकोनॉमी का हाल बताते हैं कि हमारा मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और अगर कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उस शेयर की कीमत बढ़ेगी। और देखिए, हिंडनबर्ग जैसे जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो यही करते हैं कि जो भी कंपनीज अच्छा कर रही होती है या ऐसे उनके ऊपर कोई रिसर्च पेपर्स लाते हैं, कुछ आरोप लगाते हैं, कि उसके बाद उनकी शेयर प्राइस में उनमें गिरावट आ जाए और उससे उन लोगों को फायदा हो जाए। शेयर अगर ज्यादा खरीदे जाएंगे तो बाजार में असर दिखेगा। और आरोप हिंडनबर्ग अडानी पे यही लगा रहा है कि भैया इतनी इतनी दूसरी दूसरी कंपनियों से अपने शेयर ज्यादा खरीदवा कर मार्केट में दिखाते हैं कि भैया हम तो बहुत ज्यादा जो हमने पूरा रूल कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो निवेशकों के साथ झोल कर रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक स्कैम चला रहे हैं। ये हिंडनबर्ग का कहना है अडानी के लिए, लोगों के भारी पैसा निकालने और डालने से भी असर पड़ता है कि अगर एक मेरा बहुत बड़ा अमाउंट शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है और अचानक मैं उसको निकाल देती हूँ तो मार्केट पूरा का पूरा गड़बड़ा जाएगा। और अचानक मैं बहुत भारी पैसा कहीं निकाल लगा देती हूँ तो भी मार्केट इधर से उधर चला जाएगा। तो ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, और हमेशा अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो आपको बोला जाता है कि अपने खतरे पर करना, कुछ भी हो सकता है, कितनी भी पढ़ाइयाँ कर लो लेकिन अगर घाटा होगा तो फिर वो आप पर है, और मुनाफा होगा तो आप पर तो है ही। लेकिन एक ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 7 दिन में जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो पूरा का पूरा है उसमें 13,400 करोड़ रुपये निकाल लिए। यानी जो विदेशी निवेशक है, ऐसी रिपोर्ट ये कहती है कि भारतीय जितना भी पूरा का पूरा मार्केट है उसमें भरोसा घट रहा है, इसलिए तकरीबन इतना करोड़ रुपए 7 दिनों में निकाल लिया गया है विदेशी निवेशकों के द्वारा, तो एक ही रिपोर्ट आई है। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया का, वो लीडिंग फिनेंशियल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, और ये 1992 में बना था। और अगर 2021 की बात करती हूँ तो ये दुनिया में चौथे नंबर पर आया था जहाँ पर बिजनेस अच्छा खासा चलता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसमें तकरीबन 1600 कंपनियाँ लिस्टेड है, और जो इसका ये निफ्टी होता है कि भैया आप कोई भी एक मेजरमेंट स्केल होता है, एक इंडेक्स होता है, वो जो नंबर है उससे आप पता करते हैं कि कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, किसी भी चीज़ का न्यूमेरिक तो आपको चाहिए ही होता है, मैथ्स हर जगह है। तो वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है निफ्टी में पता चलता है कि कितने नंबर ऊपर है कितने नंबर नीचे है। और अगर मैं आपको बताती हूँ तो इसमें 1600 स्टॉक्स हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और ये निफ्टी क्या होता है, निफ्टी 50 ये होता है कि 50 टॉप कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 वो होता है, 50 टॉप कंपनियां जैसा भी परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से पूरा का पूरा मार्केट परफॉर्म करता है। तो 50 कंपनियों के हिसाब से ये निफ्टी कैलकुलेट किया जाता है, फिर आपको पता चलता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के होते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, ये जितने भी सेक्टर्स होते हैं 12 सेक्टर्स, उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से सेंसेक्स का एक वैल्यू आती है। तो आपको पता चलता है मार्केट का हाल क्या है और कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। वैसे ही एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें यह है कि ये देखिए, BSE फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ दी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एज वेल एज एशिया, एशिया और भारत का सबसे पुराना है, और इसको प्रेमचंद रॉयचंद ने 1875 में खोला था। और इसके अंदर जो लिस्टेड हैं वो 6000 कंपनियां लिस्टेड हैं, मुंबई से ये पूरा का पूरा जो है चलता है, 6000 कंपनियां इसमें लिस्टेड है। और कुछ नॉर्म्स होते हैं भाई, आप कोई भी कंपनी शुरू करते हो तो आपको इधर जाके अपनी कंपनियों को लिस्ट कराना पड़ता है, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आप पूरे करते हो तब आप अपने शेयर्स खरीद या बेच बचवा सकते हो पब्लिक के बीच में, वो पूरा का पूरा बिजनेस हो सकता है। और सेंसेक्स मैंने आपको बता दिया है कि नेशनल जो ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी वैल्यू होती है, जैसे निफ्टी होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, वैसे ही सेंसेक्स होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव एंड इंडेक्स, यानी वो बताता है कि वो
जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किस तरीके से ऊपर जा रही है, किस तरीके से नीचे आ रही है। और ये 30 कंपनियां निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनियों के बारे में पता चलता है, उनकी परफॉर्मेंस बताई जाती है। इसमें सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस बताई जाती है और उससे आपको पता चलता है कि मार्केट में अभी स्थिति क्या है। और देखिए इस तरीके से अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे, बीएसई सेंसेक्स लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अभी हाल ही का ताज़ा एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि भाई 9 अगस्त मंडे से फ्राइडे मार्केट खुलता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो फ्राइडे को जब बंद हुआ था मार्केट तब उसकी वैल्यू और उसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इतना था 79,675। जैसे ही आज यानी सैटरडे संडे बंद रहा, 10 अगस्त को यानी शनिवार को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है कि सेबी भी मिला हुआ है अडानी, यानी सेबी की जो मुखिया है वो भी अडानी के साथ मिली हुई है। तो जैसे ही मंडे आया यानी आज आया तो ये देखिए कितना नीचे चला गया। आप देखिए 12 अगस्त को मंडे को जैसे ही सुबह 10 बजे मार्केट खुला तो ये एकदम इसका ग्राफ नीचे चला गया। खुलते ही पहले था 79,675, फिर हो गया 79,269, यानी ग्राफ नीचे। लेकिन जैसे 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 दिन बढ़ता गया वैसे वैसे ये ऊपर जाता रहा। बीएसई सेंसेक्स की बात कर रही हूँ, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स की, और पीक पर भी आए हैं, यानी 80,000 तक वो पहुंच गया। और जब बंद हुआ तकरीबन 3:30 बजे तो देखिए ये कितने पे बंद हुआ, 79,645, यानी जो 9 अगस्त को हालत थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले वो ये थी और जो अभी आई है वो ये है। तो आप देखेंगे ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ज्यादा निवेशकों ने भरोसा नहीं किया है और मार्केट एकदम संभला हुआ रहा है। निफ्टी 50 का अलग ग्राफ है, वो तो था सेंसेक्स का ग्राफ, और ये निफ्टी 50 में भी देख लीजिए कि जैसे ही 9 अगस्त को जब कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई थी तब बंद हुआ था तो तकरीबन यहां था ग्राफ। फिर जैसे ही आज हुआ, जैसे ही सुबह को खुला 10 बजे मार्केट, तो ये निफ्टी एकदम नीचे आ गया, एकदम नीचे चला गया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और ये वैसे वैसे ऊपर आता गया, आप देखेंगे तकरीबन 11:30 बजे ये पीक पे था और उसके बाद जब 3:30 बजे बंद हुआ तो इसकी कीमत 24,345, यानी 9 अगस्त और 12 अगस्त जब बंद हुआ तो ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ पॉइंट्स का ही फर्क है। और ये तो शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में चलता रहता है। तो इससे अब ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ज्यादा असर नहीं हो पाया। और अगर आप अडानी एंटरप्राइज जब ये पहले आई थी ना तभी का भी अगर आप देखेंगे, मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ कि आप देखिए कितना ज्यादा नीचे चला गया था। ये मैंने इधर अडानी एंटरप्राइजेस का 5 साल का निकाला, तो इसमें ये वो वक्त था 2023 का जब पहली रिपोर्ट आई थी, जब अडानी पे पूरे के पूरे आरोप लगे थे कि वो इस तरीके का घोटाला कर रहे हैं और हिंडनबर्ग ने लगाए थे। तो अगर आप देखेंगे जनवरी 2023 के बाद से कितना नीचे चला गया था, एकदम नीचे चला गया था, यानी सारे शेयर प्राइस डूब गए थे, टूट गए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 2023-2024 इस पूरे साल में यहां तक अडानी ने रिकवर कर लिया है, उस ग्राफ तक नहीं आ पाए हैं लेकिन ये रिकवर करते ही रह रहे। लेकिन जब ये डिक्लाइन हुआ होगा तो सोचिए हिंडनबर्ग को कितना फायदा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था अडानी के शेयर प्राइस गिरेंगे और गिर गए तो उनको मुनाफा हो गया। और आज की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो ये देखिए ये फिगर्स हैं कि तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अडानी के अगर हम 10 शेयर्स देते हैं तो 8 तो आज घाटे में रहे, और उस घाटे का परसेंटेज देख लीजिए -4, -3, -3, -2, और 2 जो हैं वो पॉजिटिव में रहे, यानी उनका घाटा तो नहीं हुआ लेकिन उनका मुनाफा हो गया। वो 2 शेयर्स है अडानी ग्रीन एनर्जी और अंबुजा सीमेंट्स का। तो इस तरीके से आज के सामने आंकड़े आए हैं। अब आप चौथा देख लीजिए, ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे ना तो आपको सब कुछ बीएसई लिखेंगे, निफ्टी लिखेंगे, पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस लिखेंगे तो उन सब का ग्राफ आ जाएगा और आपको पता चल सकता है कि आप किस में निवेश करो। अब मैं थोड़ा सा राजनीति पे आ जाती हूँ। बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में जॉर्ज सोरोस का नाम क्यों आ जाता है? तो देखिए जॉर्ज सोरोस पर आरोप है कि उनकी सोच भारत के खिलाफ है, और कई बार उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं है, भारत में ये जो बीजेपी सरकार है वो मुस्लिमों के साथ बहुत गलत कर रही है। बीजेपी ने बताया कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का लिंक, यानी उनका ये कहना है कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। आप ये देख लीजिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद, जॉर्ज सोरोस बैग्ड हिंडनबर्ग हैज बीन स्प्रेडिंग एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, यानी हिंडनबर्ग का काम ही यही है कि इंडिया के खिलाफ वो अफवाह फैलाए। और अगर मैं आपको बता देती हूँ जॉर्ज सोरोस कौन है, तो देखिए इधर साफ लिखा हुआ है जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर्स हैं, और उनका अगर मैं नेटवर्थ बताती हूँ तो कितना है, $6.7 बिलियन, न्यूयॉर्क में रहते हैं, और उम्र देखिए उनकी 94 ईयर्स उनकी एज है।
और उन्होंने वो तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दिए थे, पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि वो मुस्लिमों के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, वो देश के लिए यानी भारत के लिए सही नहीं है। और फिर बीजेपी ने खूब जमकर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया और बोला भी कि वो उनकी जो सोच है वो एंटी इंडिया है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी कि पुतिन को जल्दी से जल्दी हराना बेहद जरूरी है। अब पांचवे पे आ जाते हैं, जॉर्ज सोरोस। आपको पता चल गया कि जहां बीजेपी को वो कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस की जैसी सोच है एंटी इंडिया, वैसे ही कांग्रेस की सोच है एंटी इंडिया, इसलिए इनके आपस में लिंक है ये, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास इतने बड़े बड़े बिजनेस है, तो ये सब मिलकर इकोनॉमी वाइज इंडिया को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंडनबर्ग में सबसे ज्यादा शेयर तो जॉर्ज सोरोस के ही हैं, तो जॉर्ज सोरोस और हिंडनबर्ग मिलके इंडिया के खिलाफ यानी भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। पांचवा है, भारत में अडानी मामले ने कैसे हिलाया वोट बैंक। आपको पता होगा राहुल गांधी ने हर बार उठाया है अडानी का मुद्दा और अंबानी का मुद्दा। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने दो मित्रों के लिए काम करते हैं, और ये आज से वो नहीं कह रहे हैं, उनको न जाने कितना लंबा टाइम हो गया कहते हुए। लोकसभा 2024 में भी आपको पता होगा कहीं ना कहीं इस मुद्दे उठाने का असर दिखा और कांग्रेस और इंडिया को हुआ लाभ सीटों में, यानी पहले से ज्यादा उन्होंने सीटें जीती और बीजेपी सत्ता में तो आई, यानी एनडीए सरकार सत्ता में तो आई, लेकिन जो उनकी सीटें थी वो घट गई। और अब देखिए महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हिंडनबर्ग का इस तरीके से सेबी पर आरोप लगाना, हिंडनबर्ग का इस तरीके से नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाना कि वो सेबी और अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से माफ कीजिएगा कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सब मोदी राज में हो रहा है, मोदी जो है अडानी को बचा रहे हैं, मोदी के हाथ में ही सेबी की चाबी है, और इस तरीके से बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है। ये सारे कांग्रेस के आरोप हैं और इसी तरीके से वो जनता के बीच में जाएंगे। बाजार में हिंडनबर्ग का असर ज्यादा नहीं दिखा, मैं आपको पूरे के पूरे ग्राफ से वो बता चुकी हूँ। निवेशकों को पूरा खेल अब मुझे लगता है समझ में आ चुका है। सोशल मीडिया पर भी यही बातें हो रही है कि जो अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रही है, इंडियन इकोनॉमी को घाटा करने की कोशिश कर रही है, वो हो नहीं पाया। पिछली बार बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ था, लेकिन एक बार फिर से उनकी कोशिश थी कि खुद तो पैसा कमा ले, लेकिन इधर जो निवेशक है उनका पैसा डूब जाए, तो ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मार्केट में ज्यादा असर दिखा नहीं है। लेकिन हिंडनबर्ग और कांग्रेस लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं हिंडनबर्ग ने, जो सेबी चीफ ने एक्सेप्ट भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें की है कि हम जब प्राइवेट सिटीजन थे तो हमारे यहाँ निवेश थे, हमारे यहाँ निवेश थे, उन सब का जवाब कौन देगा? जितने भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, सबूत दिखाए गए हैं, उनका जवाब क्यों नहीं देती है बीजेपी सरकार? और कांग्रेस तो ये भी कह रही है, जब पूरा का पूरा आरोप लगा है हिंडनबर्ग पर, अडानी पर, सेबी पर, तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है? बीजेपी पर तो कोई आरोप नहीं लगा है। इस तरीके से पूरा का पूरा जो चुनावी खेल है वो इस वक्त भारत में चल रहा है और अभी मुझे लगता है आगे भी चलने वाला है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आपको ये कैसे समझ में आया और आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, News 24 देखते रहिए, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।